हेलो दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सीएनसी एंड ऑटोमेशन का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इस लेक्चर में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से, जो लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है? ऑप्शन ए है सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन बी है चीनी मिट्टी की चीज़ें, ऑप्शन सी है क्यूबरिक बोरान नाइट्राइड CBN, ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टूल की लाइफ के साथ बढ़ता है। ऑप्शन ए है इसका साइड कटिंग एज एंगल में वृद्धि, साइड रेक कोण में कमी, ऑप्शन सी है नॉक त्रिज्या में कमी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, इसकी बैक रेक कोण में कमी। तो इसका सही जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब जो है वो आपको बता दें कि इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी है, बैक रेक कोण में कमी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कटाई टूल के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक हैं? ऑप्शन ए कठोरता, गर्म कठोरता और दाब प्रतिरोध, ऑप्शन बी है बेंडिंग स्ट्रेंथ और टफनेस, ऑप्शन सी है आंतरिक बंधन शक्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कोबाल्ट के प्रतिशत में वृद्धि के साथ ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता, ऑप्शन सी है समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ो फिर घटता है। तो दोस्तों, यदि इसका सही जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं पता तो हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका सही है बढ़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कटिंग टूल की पदार्थ वर्क पीस की पदार्थ की तुलना में कठोर होनी चाहिए। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी है सच या गलत हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं कह सकते। तो इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ट्विस्ट ड्रिल की पदार्थ आमतौर पर होता है। ऑप्शन ए है हाई स्पीड स्टील की, ऑप्शन बी है कार्बाइड स्टील की, ऑप्शन सी है डायमंड, ऑप्शन डी है कास्ट स्टील की। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील। तो दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि PDF बनाते समय हर क्वेश्चन याद नहीं रहता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किस मशीन टूल में मदर मशीन टूल के नाम से जाना जाता है? सॉरी दोस्तों, एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, किस मशीन टूल को मदर मशीन टूल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ड्रिलिंग, ऑप्शन बी है मिलिंग, ऑप्शन सी है लिख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, उल्लेखित में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यदि इसका सही जवाब आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही है, लेथ मशीन लेथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्या हीरा सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है, लेकिन इसका उपयोग केवल 600 डिग्री सेल्सियस तक ही किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल, ऑप्शन सी है सच या गलत हो सकता है, ऑप्शन डी कह नहीं सकते। तो इसका सही जवाब यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है फॉल यानी गलत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, बेल्ट द्वारा शक्ति का संचारण किस पदार्थ पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है बेल्ट और चरखी के बीच चाप संपर्क, ऑप्शन बी है बेल्ट का वेग, ऑप्शन बी सी है तनाव जिसके तहत बेल्ट की चरखी पर रखा जाता है, ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस ड्राइव को में स्लिप नहीं होता? ऑप्शन ए है ओपन बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन बी है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन सी है रस्सी ड्राइव, ऑप्शन डी है चेन ड्राइव। तो दोस्तों इसमें पूछा गया निम्न में से किस ड्राइव में स्लिप नहीं होता, तो इसका सही जवाब, यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता तो हम आपको बता दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है रेख फलक और रेख फलक के लंबवत तल के बीच का कोण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइड रेख कोण, ऑप्शन बी है पार्श्व राहत कोण, ऑप्शन डी है सी है अंत राहत कोण, ऑप्शन बी है बैक रेख एंगल। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर ए साइड रेख कोण सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइड कटिंग एज और टूल की धुरी के बीच का कोण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइड रेक कोण, ऑप्शन बी है पार्श्व राहत कोण, ऑप्शन सी है साइड कटिंग एज एंगल, ऑप्शन डी है बैक रेक एंगल। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बड़े ऋणात्मक बैक रेक कोण के लिए उपकरण होना होगा। ऑप्शन ए है कमज़ोर, ऑप्शन बी है मजबूत, ऑप्शन सी है चिकना, ऑप्शन डी है हार्डर यानी कठोर। तो दोस्तों यदि आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बड़े धनात्मक बैक रेक कोण के लिए उपकरण होगा। ऑप्शन ए है कमज़ोर। तो दोस्तों यह जो है ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कटाई टूल धातु को वर्कपीस के रूप में हटाता है। ऑप्शन ए है ठोस ब्लॉक, ऑप्शन बी है पाउडर, ऑप्शन सी है चिप्स, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो दोस्तों यदि इसका सही जवाब आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी सही है चिप्स के रूप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ में कटाई टूल के लिए संचालन के दौरान निरंतर चिप्स का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है नमनीय कार्य सामग्री, ऑप्शन बी है बड़े रेक कोण, ऑप्शन सी है उच्च काटने की गति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ATS का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए है स्वचालित उपकरण परिवर्तक, ऑप्शन बी है व्यवस्थित उपकरण परिवर्तक, ऑप्शन सी है स्वचालित उपकरण नियंत्रण, ऑप्शन डी है व्यवस्थित उपकरण नियंत्रण। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब है स्वचालित उपकरण परिवर्तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ट्रांसड्यूसर का कार्य है। ऑप्शन ए है विद्युत संकेत गैर विद्युत मात्रा में, ऑप्शन बी है विद्युत संकेत में गैर विद्युत मात्रा को, ऑप्शन सी है यांत्रिक मात्रा में विद्युत संकेत को, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता तो हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है आर्द्रता, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है ए और बी दोनों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 40 नंबर थर्मिस्टर एवं ट्रांसड्यूसर इसका तापमान गुणांक है। ऑप्शन एक नकारात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक। तो दोस्तों हमारा 20 नंबर का सीरीज जो है लेक्चर नंबर 9 हो चुका है पूरा, इसी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में कॉलेज के ग्रुप में फेसबुक ग्रुप पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।